आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडिया वोडाफोन स्टॉक के बारे में। जब इस स्टॉक एक पेरेंट कंपनी वोडाफोन में यूएई के तरफ से 10% के एक्विजिशन का न्यूज आया, उसके बाद इस स्टॉक में काफी तेजी, मोर देन 12% तक की तेजी दिखी। अगेन उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में डाउनसाइड जो एज एक्सपेक्टेड था और हमने पहले भी कहा था वही दिख रहा था। इस समय ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और दो ब्रेकिंग न्यूज ट्रेंड हो रही है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्टेक लेने वाली है अराउंड 33% के आसपास का, उसके बाद वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज ट्रेंड हुई कि ये फंड रेज कर रही है, अराउंड 20,000 करोड़ के फंड रेज की बात चल रही है और वो डील क्लोज होने के आसपास ही है। लेकिन याद रहे ये थ्रू डेट के वाया ये फंड रेज करने जा रही है। ओवरऑल 5G को लेकर के जो सभी कंपनियां एग्रेसिवली काम करते हुए दिख रही है, गवर्नमेंट का ग्रेट इनिशिएटिव है, उसको लेकर के वोडाफोन भी कंटिन्यूअसली एग्रेसिवली काम करते हुए दिख रही है। इस समय इस स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे टेक्निकली तो 20 डे मूविंग एवरेज के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, वो प्राइस है अराउंड 9 रुपीज के आसपास का। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जहां इजिली आप 8 रुपए के स्टॉप लॉस या 7 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस को लगा करके आप चाहें तो इस स्टॉक में 18-20 के टारगेट के लिए विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। श्योरली ये स्टॉक रिवार्ड करेगा। शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल ये स्टॉक में बाइंग करने की गलती नहीं करना चाहिए।